पश्चिम बंगाल में कल तीसरे चरण के लिए मतदान होगा। 4 जिलों के 62 सीटों पर होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मतदान की तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र ने। इस चरण में कुल 1,37,42,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। 22 सीटों वाले मुर्शिदाबाद में सर्वाधिक 169 उम्मीदवार हैं और 7 सीटों वाले उत्तर कोलकाता में सबसे कम लेकिन फिर भी 58 उम्मीदवार मैदान में हैं। निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए कुल 16,461 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 436 महिला परिचालित मतदान केंद्र हैं। राजनीतिक रूप से काफ़ी चर्चित रहने वाले इन जिलों में कुल 3,401 संवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान की गई है। भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न कराने के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और राज्य पुलिस बल के अलावा करीब 700 केंद्रीय वाहिनी के साथ साथ राज्य पुलिस बल काफ़ी मात्रा में तैनात किया गया है। पोलिंग पार्टीज अपने गंतव्य की तरफ रवाना होने के लिए तैयार हैं। खुद हम इनसे जानते हैं कि किस तरीके की व्यवस्था है और किस तरीके की तैयारी है। आप ये बताएं कि ये मशीन पूरी तरीके से अच्छे से काम कर रही है? जी हाँ, ठीक है। साफ तौर से देख सकते हैं कि निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सारी तैयारियां मुकम्मल है। साल 2011 के विधानसभा चुनाव में इन 62 सीटों पर 85% से ज़्यादा मतदान हुआ था। मौजूदा विधानसभा के दोनों चरणों में 80% से ज़्यादा मतदान हुआ है। उम्मीद करेंगे कि तीसरे चरण में भी जनता का जोशो खरोश बरकरार रहेगा। जनता अपने पसंद का उम्मीदवार तो चुनेगी ही, साथ ही साथ इस लोकतंत्र को और मजबूत करेगी। कैमरा पर्सन एल लक्ष्मीकांत के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, DD News, बहरामपुर।